हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आई एम सी एस ऋतु। आज का वीडियो है पीएसयू स्टॉक कैनरा बैंक पे। कैनरा बैंक से रिलेटेड आज दो बड़े अपडेट आए हैं। पहला अपडेट आया है कैनरा बैंक से रिलेटेड कि आरबीआई ने कैनरा बैंक पे पेनल्टी इम्पोज करी है। एंड सेकंड अपडेट और भी इम्पोर्टेंट अपडेट है। सेकंड अपडेट कैनरा बैंक से रिलेटेड ये आया है कि बैंक ने अपनी हिस्ट्री में पहली बार स्टॉक स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया है। सो कैनरा बैंक अपने स्टॉक को स्प्लिट करने वाला है। एंड आज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई है जिसके बाद स्टॉक स्प्लिट का रेशियो भी अनाउंस हो गया है। सो क्या है कैनरा बैंक में स्टॉक स्प्लिट की डिटेल्स, स्टॉक स्प्लिट कब तक कंप्लीट हो जाएगा, रिकॉर्ड डेट और अदर इम्पोर्टेंट डेट क्या है, और आज स्टॉक के लिए एनालिस्ट के लेटेस्ट टारगेट भी आए हैं। सो इन सभी अपडेट्स को जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलेगा। सो आज की एक्सचेंज फाइलिंग में हम देख सकते हैं कैनरा बैंक की तरफ से ये दो अनाउंसमेंट हुए हैं। पहला अनाउंसमेंट हुआ है स्टॉक स्प्लिट का, एंड सेकंड अनाउंसमेंट हुआ है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कैनरा बैंक पे कुछ पेनल्टी इम्पोज करी है। एंड ये दोनों अनाउंसमेंट कैनरा बैंक में आज मार्केट क्लोज होने के बाद हुए हैं। सो इनका इम्पैक्ट हमें कल के सेशन में स्टॉक में देखने को मिलेगा। सो इन दोनों अनाउंसमेंट को डिटेल में चलिए समझते हैं। कैनरा बैंक से रिलेटेड पहला अनाउंसमेंट आज ये हुआ है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कैनरा बैंक पे बाय ऑर्डर डेटेड 6 फरवरी 2024 मॉनेटरी पेनल्टी इम्पोज करी है 32.3 लाख की। ये पेनल्टी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कैनरा बैंक पे इसीलिए इम्पोज की है बिकॉज आरबीआई के प्रोविजन का नॉन कम्प्लायंस हुआ है कैनरा बैंक में। इसी की वजह से आरबीआई ने ये पेनल्टी इम्पोज करी है। इस पेनल्टी की डिटेल्स अगर हम देखें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 32.3 लाख रुपीज की मॉनेटरी पेनल्टी इम्पोज करी है कैनरा बैंक लिमिटेड पे, और इससे रिलेटेड ऑर्डर और डायरेक्शन बैंक को रिसीव हुआ है 26/2/2024 यानी कि आज। और ये पेनल्टी आरबीआई ने इसीलिए इम्पोज करी है बिकॉज कैनरा बैंक ने नॉन कम्प्लायंस किया है आरबीआई के डायरेक्शंस का। एंड बैंक ने आज की एक्सचेंज फाइलिंग में ये भी क्लियर किया है कि इस पेनल्टी का कोई भी फाइनेंशियल, ऑपरेशनल और अदर इम्पैक्ट बैंक की एक्टिविटीज पे नहीं होगा। सेकेंड अनाउंसमेंट और भी इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है जो आज के सेशन में कैनरा बैंक में होना था। अनाउंसमेंट हुआ है स्टॉक स्प्लिट से रिलेटेड। कैनरा बैंक का स्टॉक अगर हम देखें, करंट प्राइस स्टॉक का 573 रुपीज है। आज की क्लोजिंग 573 रुपीज पे हुई है स्टॉक में, और स्टॉक का करंट फेस वैल्यू है 10 रुपीज। अब ये स्टॉक स्प्लिट हो जाएगा मतलब कि स्टॉक का फेस वैल्यू कम हो जाएगा। करंट फेस वैल्यू जो स्टॉक का आपको 10 नजर आ रहा है वो अब कम हो जाएगा। जब भी किसी स्टॉक का स्टॉक स्प्लिट होता है तो उसका फेस वैल्यू रिड्यूस हो जाता है, और उस स्टॉक के करंट प्राइस में हमें उस स्टॉक स्प्लिट का इम्पैक्ट देखने को मिलता है। स्टॉक का करंट प्राइस प्रोपोर्शनलिटी रिड्यूस होता है स्टॉक स्प्लिट की रेशियो में, बट अदर फंडामेंटल सेम रहते हैं, उन पे कोई भी इम्पैक्ट हमें देखने को नहीं मिलता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन भी सेम रहता है, आरओसी आरओई भी सेम रहता है जब भी किसी स्टॉक में स्टॉक स्प्लिट अनाउंस होता है। कैनरा बैंक के स्टॉक स्प्लिट की डिटेल्स की बात करें, एज आई ऑलरेडी टोल्ड कैनरा बैंक के 1 इक्विटी शेयर का करंट फेस वैल्यू है ₹10। अब इस स्टॉक में स्टॉक स्प्लिट अनाउंस हुआ है। स्टॉक स्प्लिट होने के बाद कंपनी का 1 इक्विटी शेयर 5 इक्विटी शेयर्स बन जाएंगे और उनकी फेस वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी, फेस वैल्यू ₹2 हो जाएगी। सो कैनरा बैंक लिमिटेड में 1:5 की रेशियो का स्टॉक स्प्लिट अनाउंस हुआ है। अगर आप कैनरा बैंक में 1 शेयर होल्ड करते हैं जिसकी फेस वैल्यू ₹10 है तो आपके 1 शेयर 5 शेयर बन जाएंगे, लेकिन फेस वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी, फेस वैल्यू 10 की बजाय ₹2 हो जाएगी। तो स्टॉक स्प्लिट के केस में हमारे नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज हो जाएंगे लेकिन हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट उस स्टॉक में सेम वैल्यू का रहेगा। हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा बट हमारे नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज हो जाएंगे स्टॉक स्प्लिट की रेशियो में। अब कैनरा बैंक लिमिटेड अपने स्टॉक को स्प्लिट कर क्यों रही है? सो स्टॉक स्प्लिट का रेशनल कैनरा बैंक ने बताया है कि लिक्विडिटी इंप्रूव करने के लिए बैंक के शेयर में बैंक अपने शेयर को स्प्लिट कर रहा है ताकि बैंक का शेयर जो करंटली 573 रुपीज का है वो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए और अफोर्डेबल बन जाए और इससे बैंक का रिटेल इन्वेस्टर बेस इंक्रीज हो। सो कैनरा बैंक के केस में शेयर का प्राइस है 573, 1:5 की स्टॉक स्प्लिट कंपनी में अनाउंस हुई है। सो स्टॉक स्प्लिट होने के बाद स्टॉक अफोर्डेबल हो जाएगा। जो 573 का स्टॉक आपको दिख रहा है उसका प्राइस 114 रुपीज हो जाएगा। स्टॉक का प्राइस डिवाइड बाय 5 हो जाएगा बिकॉज 1:5 की रेशियो का स्टॉक स्प्लिट कैनरा बैंक लिमिटेड में अनाउंस हुआ है। स्टॉक स्प्लिट से और क्या चेंज होगा ये भी समझ लेते हैं। फेस वैल्यू में चेंज हो जाएगा, जो 10 का फेस वैल्यू है वो ₹2 का हो जाएगा। करंटली कैनरा बैंक का इश्यूड कैपिटल है 181 करोड़ शेयर्स का, इस इश्यूड कैपिटल में इंक्रीज हो जाएगा। स्टॉक स्प्लिट होने के बाद बैंक का इश्यूड कैपिटल जो कि करंटली 181 करोड़ का है, फेस वैल्यू ₹10 का है, स्टॉक स्प्लिट होने के बाद 907 करोड़ का हो जाएगा और फेस वैल्यू हो जाएगा ₹2 का। इस स्टॉक स्प्लिट से रिलेटेड अदर इम्पोर्टेंट डिटेल्स बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक करिए ताकि हमें मोटिवेशन भी मिले। सो स्टॉक स्प्लिट के लिए इम्पोर्टेंट डेट कौन सी होगी? सबसे इम्पोर्टेंट डेट होगी रिकॉर्ड डेट। रिकॉर्ड डेट पे जो भी कैनरा बैंक लिमिटेड के शेयर्स होल्ड करते होंगे उनके स्टॉक स्प्लिट हो जाएंगे, उनके नंबर ऑफ शेयर इंक्रीज हो जाएंगे और टोटल इन्वेस्टमेंट सेम रहेगा।
सो कैनरा बैंक के स्टॉक स्प्लिट के रिकॉर्ड डेट क्या है? कैनरा बैंक के स्टॉक स्प्लिट के रिकॉर्ड डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है, जैसे ही अनाउंस होगी हम आपको अपडेट जरूर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। ऑल्सो स्टॉक स्प्लिट कंप्लीट कब तक होगा? एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ कंप्लीशन है स्टॉक स्प्लिट का कैनरा बैंक लिमिटेड ने आज की एक्सचेंज फाइलिंग में बताया है 2 to 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ इंटीमेशन ऑफ बोर्ड मीटिंग जो की है 7/2/2024। 7/2/2024 को ये अनाउंसमेंट हुआ था कि कैनरा बैंक लिमिटेड बोर्ड मीटिंग करेगा स्टॉक स्प्लिट के लिए। सो इस डेट से विद इन 2 to 3 months बैंक का स्टॉक स्प्लिट कंप्लीट हो जाएगा, ये बताया है बैंक ने आज की एक्सचेंज फाइलिंग में। लेकिन इस स्टॉक स्प्लिट के लिए बैंक को अप्रूवल लेना होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। जैसे ही अप्रूवल मिलेगा उसी के बाद रिकॉर्ड डेट अनाउंस होगी स्टॉक स्प्लिट की। ऑल्सो वीडियो कंक्लूड करने से पहले स्टॉक के लिए आज लेटेस्ट टारगेट आए हैं मोतीलाल ओसवाल के एनालिस्ट की तरफ से, लेकिन ये कोई भी बाय की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी बाय सेल करने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू आप अपने एडवाइजर को कंसल्ट जरूर करें। कैनरा बैंक के स्टॉक के लिए आज बाय की रिकमेंडेशन आई है मोतीलाल ओसवाल के एनालिस्ट की तरफ से और टारगेट प्राइस एनालिस्ट स्टॉक के लिए 650 rupees का देखते हैं। सो करंट प्राइस से भी एनालिस्ट को एक्सपेक्टेशन है कैनरा बैंक लिमिटेड का स्टॉक अच्छा अपसाइड दिखा सकता है। तो ये है कैनरा बैंक से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट जो आज के सेशन में इस कंपनी में आए हैं। आज के वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करिए ताकि वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब करिए सो दैट वी गेट मोटिवेटेड। थैंक यू।